नमस्कार, आरसीआई डिफेंस अकेडमी बानसूर की ओर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरसीआई डिफेंस अकेडमी बानसूर जो अलवर जिले का सबसे बड़ा डिफेंस अकेडमी है और यहाँ विद्यार्थियों को 10वीं के बाद 12वीं के बाद डिफेंस से संबंधित बहुत सारे कोर्सेज अपने यहाँ शुरू किए जाते हैं और उसी के संबंध में हम आपको जो बैचेज हैं उसकी जानकारी देना चाहेंगे। मेरे साथ में हमारे यहाँ उपस्थित हैं मैथ के HOD महेश जी। महेश जी, अपने यहाँ जो बैचेज जो शुरू कर रहे हैं, हम जो अभी जल्दी में शुरू होने वाले हैं, उन बैचेज के बारे में अपने विद्यार्थी और अभिभावकों को हम जानकारी देना चाहेंगे। तो जो बैचेज अपने शुरू हो रहे हैं उनके बारे में आप थोड़ा बताएं। जी सर, धन्यवाद। नमस्कार। आरसीआई डिफेंस एकेडमी में सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सर्वप्रथम हमने NDA में सिलेक्शन दिया है बानसूर में, और दोस्तों ग्रामीण परिवेश में सबसे पहले और सबसे ज़्यादा सुविधाओं वाला ये कैंप डिफेंस कैंपस है। इसमें आरसीआई डिफेंस एकेडमी में अभी 10th के बाद में जो 11th में जो बच्चे NDA को अपना एज ए कैरियर चूज करना चाहते हैं उनके लिए NDA फाउंडेशन का बैच सर स्टार्ट हो चुका है। उसके बाद यदि आफ्टर 12th जो NDA करना चाहते हैं टारगेट बैच वो भी स्टार्ट हो चुका है। सर, मैं ये जो अपना फाउंडेशन का जो बैच है वो 11th और 12th के साथ। जी सर, 11th और 12th के साथ। 11th और 12th का जो बैचेज है वो 1 जुलाई से, हम बताना चाहेंगे 1 जुलाई से जो बैच है ये रनिंग में आ जाएगा। और इसमें मैथ स्ट्रीम के बच्चे ज्यादा ठीक रहेगा, मैथ स्ट्रीम के जो बच्चे। जी सर, उसके बाद सर हम साथ साथ नेवी एयर फोर्स का भी हमने स्टार्ट कर दिया है फाउंडेशन। जो नेवी एयर फोर्स में अपना करियर चूज करना चाहते हैं, आर्मी की जो टेक्निकल ट्रेड्स में जो जाना चाहते हैं, आर्मी टेक्निकल या क्लर्क में, जो एयरफोर्स वाई ग्रुप के लिए एलिजिबल है वो लोग भी आप एनरोल एडमिशन ले सकते हैं 11वीं 12वीं के साथ। तो आफ्टर 12th उनका आ जाएगा, आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके साथ ही सर जो कॉलेज जो बच्चे नॉर्मली कॉलेज करते हैं उनका भी 1 जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें RCI कॉलेज भी है, उसके साथ में कंपटीशन की प्रिपरेशन भी हो जाएगी। उसके साथ में चाहे वो सिविल प्रिपरेशन कर रहे हों उनका बैच भी 1 जुलाई से स्टार्ट है। SSC CGL हो गया, उसके बाद बैंक PO हो गया, उसके बाद में जितने भी स्टेट वैकेंसीज हैं, उसके बाद में NDA हो गया, CDS हो गया, FCAT हो गया, इन सभी के बैचेज 1 जुलाई से स्टार्ट है हमारे यहाँ। मैं बीच में बताना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जैसे कई जगह क्या है कोचिंगों में फैकल्टीज जो है सर क्या है पार्ट टाइम आती है 1 घंटे के लिए, तो उसमें अलग अलग बैचेज शुरू करने में इनको प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं विद्यार्थियों के लिए बताना चाहूँगा कि यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो अपने यहाँ जो इंग्लिश मीडियम का बैच है वो सेपरेट चलता है। जी सर ऐसा है ना? जी सर। और इसी प्रकार हिंदी मीडियम के एक्स ग्रुप के और वाई ग्रुप के सभी बैचेज अलग अलग सेपरेट ये जो बैच जो है वो डिफेंस से रिलेटेड चलते हैं। जी सर। तो 10वीं के बाद में बच्चा 11वीं और 12वीं के साथ में आपका कहना मतलब एक फाउंडेशन के बैचेज में RCI डिफेंस अकेडमी में एडमिशन लेकर के 11वीं से ही इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसका बैच जो है वो 1 जुलाई से प्रारंभ होंगे, उसमें आप लोग एडमिशन जो है वो प्रारंभ हो चुके हैं। 8 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आप कैंपस आकर के इससे संबंधित पूरे डिटेल्स ले सकते हैं। इसके अलावा कॉलेज के साथ में यदि कोई बच्चा कॉलेज कर रहा है तो केवल कॉलेज न करके उसके साथ में वो एक्स ग्रुप वाई ग्रुप या NDA के जो बैच हैं वो ले सकता है या SSC CGL के जो बैचेज हैं वो ले सकता है। ये बैच हमारे यहाँ हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के सेपरेट बैच शुरू कर रखे हैं। तो उसके लिए आपको यदि बहुत ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप सर से आकर के या हमारे जो अन्य मैनेजमेंट में जो लोग उनसे मिल सकते हैं। इसके अलावा सर और भी कोई बैच अपने अगर विचार हो फ्यूचर में या दूसरा जैसे सेकंड बैच कब तक का विचार रहेगा? सर अब 1 जुलाई को पहला बैच स्टार्ट होगा हमारा, फिर 1 जुलाई से जब उसकी सीटें फिलअप होने के बाद में फिर हम लोग उसके आगे डेट हम फर्दर अनाउंस कर देंगे उसकी। 5 जुलाई से लगभग 7 जुलाई के आसपास ये बैच कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके जस्ट बाद में दूसरा बैच स्टार्ट। और इसके साथ में जो बच्चे माना अदर डिस्ट्रिक्ट से है या किसी तहसील से है दूर दराज से, तो उन सबके लिए हॉस्टल फैसिलिटी और कोच के माध्यम से फिजिकल की शानदार व्यवस्था यहाँ है। तो RCI डिफेंस अकेडमी जो है उसमें आप आएँ और अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आप RCI डिफेंस अकेडमी को चूज करें। तो सर आज आपने बच्चों के लिए जो बैचेज हैं उनको ये सूचनाएं दिन के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।